ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 मंत्रालयों ने उन संपत्तियों की सूची बनाई है जिन्हें बेच दिया जाएगा या दूसरे तरीकों से निजी क्षेत्र को देकर पैसा कमाया जाएगा। इस जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए उगाहे जाएंगे। इसमें सड़कें, बिजली ट्रांसमिशन, ऑयल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार के टावर, स्टेडियम और दूसरी चीजें शामिल हैं। रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और हवाई अड्डों को भी बिक्री सूची में डाल दिया गया है। बेच दो की इस योजना के तहत रेलवे 90,000 करोड़ रुपए उगाहेगा। इसके लिए वो 150 रेलगाड़ियों के परिचालन निजी कंपनियों को सौंप देगा। इसके अलावा 50 रेलवे स्टेशन बनाने और चलाने का काम भी निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय निजीकरण के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। वो MTNL और BSNL की जायदाद बेच देगा। ऑप्टिक फाइबर, भारत नेट और टेलीकॉम टावर को इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा। BSNL के पास जो जमीन है उसे भी वो निजी क्षेत्र को लीज पर देगा। बेचने के लिए बने कोर ग्रुप ने इस पर चिंता जताई है कि कई मंत्रालयों का कामकाज सुस्त है। सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय ने 7200 किलोमीटर सड़क की पहचान की है जिन्हें निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। इसके तहत निजी कंपनियां एक निश्चित रकम देकर वे सड़कें ले लेंगी और उन पर टोल टैक्स लगाकर पैसे कमाएंगी। सरकार का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए उगाहने का है। पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड अपनी जायदाद का निजीकरण करके 27,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगा। युवा और क्रीड़ा मंत्रालय खेल के मैदानों को निजी हाथों में दे देगा। इन स्टेडियम को लीज पर देकर पैसा कमाया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी 13 हवाई अड्डों को ऑपरेट मैनेज करने डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत निजी कंपनियों को दे देगी। इसके जरिए 20,000 करोड़ रुपए उगाहे जाएंगे। यही नहीं, मोदी सरकार ने राज्यों से भी कहा है कि वो विनिवेश पर जोर दें और सरकारी संपत्तियों का विनिवेश और निजीकरण करने के लिए एक रोड मैप तैयार करें। तो बहुत साफ है कि सरकार तमाम सार्वजनिक संपत्तियां, तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां सबको बेच देने पर आमादा है। और जाहिर है कि ये औने पौने दाम में बेचे जाएंगे और ये भी जाहिर है कि इनको खरीदने वाले कौन लोग होंगे। तो ये एक बिल्कुल सुनियोजित योजना के तहत किया जा रहा है। पर्दा ये दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर ये लग रहा है कि ये निजीकरण हो रहा है और निजीकरण के जरिए धन इकट्ठा करके सरकार देश के विकास में लगाएगी। लेकिन जो कंपनियां फायदे में चल रही हैं, फायदा मुनाफा कमा कर दे रही हैं सरकार को, उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा और बहुत कम पैसे में सौंपा जाएगा और वो मुनाफा कमाएंगी। और जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे रेल है, एयरपोर्ट है, दूसरी जो सार्वजनिक जरूरत की चीजें हैं, उन पर अगर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होगा और बढ़ता जाएगा लगातार, तो वही होगा जो हम देख रहे हैं कि किरायों में वृद्धि हो रही है और तमाम तरह के हथकंडे आजमा कर जो निजी क्षेत्र है वो शोषण का जाल बिछा रहा है। तो ये सरकार दरअसल कारपोरेट की गोदी में बैठी हुई सरकार है। कारपोरेट के हितों को ध्यान में रखकर तमाम आर्थिक नीतियां बना रही है। वो अपनी माथत आने वाली इन संपत्तियों को बेच रही है। अब देखिए कि ये सरकार पूछती है कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया 70 सालों में। तो ये जो जितनी चीजें बेची जा रही हैं, दरअसल ये मोदी सरकार ने नहीं बनाई हैं इन 7 सालों में, ये 70 सालों की निर्मिति है। उस दौरान ही ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां और तमाम परिसंपत्तियां क्रिएट की गई हैं उन नीतियों के जरिए जो 1947 के बाद सरकारों ने बनाई और उसके आधार पर काम किया। अगर ये खड़ा ना होता तो आज देश किस हाल में होता, और ये जब नहीं रहेगा तब सोचिए क्या हाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां रोजगार देती हैं बड़े पैमाने पर, और खास तौर पर इनमें आरक्षण की व्यवस्था होने की वजह से कमजोर तबकों को नौकरियां मिलती हैं और किसी तरह से वो भी इस विकास के हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन निजी क्षेत्र का रवैया आप जानते ही हैं कि उन्हें न तो समाज से मतलब है, न कमजोर वर्गों से मतलब है, उसका मतलब तो सिर्फ मुनाफे से है और उसी पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। तो सरकार एक तरह से जो भारत का एजेंडा है,
जो जिसमें पिछड़े, दलितों, इन सब को आगे लाने का उद्देश्य है हमारे देश का, वो सब डिसमेंटल कर रही है, वो सबको धराशायी कर रही है, ध्वस्त कर रही है और विशुद्ध रूप से पूंजीपतियों के हाथ में देश और सरकार सौंप रही है। और जाहिर है कि ये सरकारें पूंजीपतियों से मिली हुई हैं, इसलिए उनके एजेंडे पर काम करेगी, उन्हीं के अनुसार नीतियां बना रही हैं और ये उसी उन्हीं आर्थिक नीतियों का एक हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश को किस अंधेरे कुएं में ये सरकार धकेल रही है। खराब हालत से गुजर रही कांग्रेस की मुश्किलें महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी एनसीपी के मुखिया शरद पवार के एक ताजा बयान के बाद और बढ़ सकती हैं। पवार ने मंगलवार को कहा है कि देश में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की जरूरत है और वो इस मामले में कई पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए बयान मुश्किलें बढ़ाने वाला है, इसलिए क्योंकि ऐसे में जिस यूपीए की कयादत वो कर रही है उसका क्या होगा और उसे डर ये है कि कहीं वो बेमतलब ना हो जाए। शरद पवार के मुताबिक सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि तीसरे मोर्चे की जरूरत है। ये बात उन्होंने केरल कांग्रेस के पूर्व नेता पीसी चाको के एनसीपी में शामिल होने के दौरान कही। इस दौरान चाको ने जो कुछ कांग्रेस आलाकमान के लिए कहा है वो भी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। चाको ने कहा कि वो ऐसी पार्टी में आकर खुश हैं जो सक्रिय है और कुछ कर रही है और सही दिशा में भी जा रही है। चाको ने बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में शामिल हैं। शिवसेना इससे पहले यूपीए के अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार के नाम की खुलकर हिमायत कर चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ये तक कह चुके हैं कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है, इसलिए विपक्षी दलों को साथ आने और यूपीए को मजबूत करने की जरूरत है। शिवसेना ने कुछ महीने पहले कहा था कि यूपीए को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एनजीओ है। शिवसेना ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे और तब महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया था। हालांकि कांग्रेस ने किसान आंदोलन को मजबूत ढंग से उठाने की कोशिश की है और राहुल गांधी और प्रियंका इसे लेकर किसानों के बीच में भी पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें उसके घर से ही शुरू होती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से स्थायी अध्यक्ष चुने जाने और आंतरिक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी में जबरदस्त घमासान चल रहा है। तो कांग्रेस जो हर मोर्चे पर एक लापरवाह सुस्त दिख रही है, खासतौर पर नेतृत्व के मामले में, चाहे वो पार्टी का नेतृत्व हो चाहे यूपीए का नेतृत्व हो, दोनों मोर्चे पर कोई हलचल कांग्रेस नेतृत्व में होती नहीं दिख रही है और इससे कांग्रेस के अंदर तो बेचैनी है वो दिख भी रही है। लेकिन अब जो दूसरे दल हैं, जो यूपीए में शामिल दल हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये पहल नहीं कर सकती है, कांग्रेस ये जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती है, तो हमें अपने स्तर पर कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार जिस राह पर चल रही है उससे संगठित हुए बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और कांग्रेस इस लड़ाई में पीछे हटती दिख रही है। भले ही राहुल गांधी बड़े बड़े बयान देते रहते हों, लेकिन जब तक वो तमाम दलों को एक साथ एकजुट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब तक कोई बड़ी मुहिम शुरू नहीं हो सकती है। राहुल गांधी अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सोनिया गांधी की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस नेतृत्व की जिम्मेदारी थी, और अगर ये तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू होती है तो कांग्रेस और अलग थलग पड़ने वाली है, क्योंकि इस तीसरे मोर्चे में वो दल भी शामिल होंगे जो कांग्रेस को नापसंद करते हैं या कांग्रेस से उनकी प्रतिद्वंदिता है राज्यों में। तो ये उनके लिए सुविधाजनक है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें कांग्रेस नेतृत्व न कर रही हो। तो ये पहले भी इस तरह की पहल होती रही है और उन्होंने केंद्र में सरकार भी बनाई है, तो एक नई पहल ये नई परिस्थितियों में हो रही है, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए ये एक अवसर भी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।